हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज है रमज़ान का तीसरा जुम्मा। जुम्मा मुबारक, आप सबको जुम्मा मुबारक हो। और कल हम लोग आए थे शॉपिंग से, तो कल मैंने अपना ब्लॉग जो है एंड किया था और मैं बहुत ज़्यादा जो है थक गई थी कल। तो फिर बस मैंने वही व्लॉग वहीं एंड कर दिया था। वो मैंने व्लॉग में बताया है, वो मैं इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूँगी। तो वह हाथ में दर्द हो गया था जल्दी। बहरहाल, तो फिर अभी मैंने कहा अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ आज जुम्मे के दिन। तो बस उठ गई, सफाई वगैरह कर ली, नहा लिया, धो लिया, नमाज़ पढ़ ली है। बस अब हम जाएंगे किचन में। मैंने कहा चलो जी, मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी आज मैंने कहा अपना व्लॉग टेरिस में आकर स्टार्ट करूँ। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करती, धूप आई थी बड़ी प्यारी सी, लेकिन गर्मी हो रही है आज। गर्मियाँ थोड़ी सी आ गई हैं, वरना शुरू के जो 8-10 रोज़े थे उसमें माशाल्लाह वेदर बहुत अच्छा था, बट अभी 2-3 दिन से गर्मी हो रही है। चलें खैर, अभी अंदर चलते हैं। बस जी, जब मैं उठी थी तो फिर मैंने अम्मी से पूछा क्या बनाना है। अम्मी ने कहा इफ्तारी बनानी है। मैंने कहा नहीं अम्मी, आज बिरयानी बनाते। मेरा बिरयानी का बहुत ज़्यादा मूड हो रहा था, तो बस मैं बिरयानी बनाने के लिए ही तैयारी कर रही थी। प्याज वगैरह काट रही थी, टमाटर काटे और खड़े मसाले जो होते हैं वो प्याज में डाल दिए, मतलब ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग और पत्ते, और क्या कहते हैं सिनेमन स्टिक, जो दालचीनी जिसे बोलते हैं, वो छोटी इलायची, बड़ी छोटी इलायची नहीं डाली थी। छोटी इलायची में बिरयानी के साशा जो है उसमें होगी, मैंने बड़ी इलायची डाली थी, और वो जो एक फूल होता है वो। ये सब खड़े मसाले जो है हम इसमें डाल लेंगे अपनी प्याज के अंदर ही। और यहाँ पर मैं चिकन निकाल रही हूँ। ये तो चिकन ज़्यादा था, हम लोग तो ज़ाहिर है 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के हिसाब से मैं बना रही थी। मैंने तकरीबन 3 पाव बिरयानी बनाई थी ना, 1 किलो से कम थी, क्योंकि ज़्यादा फिर ज़ाया हो जाती है, फिर ज़ाहिर है खा भी नहीं सकता इंसान, दिन में रोज़ा होता है। तो बस हमने कहा थोड़ी बहुत बचेगी तो सहरी में खा लेंगे, बाकी रात में खा लेंगे थोड़ी बहुत। बस जी, यहाँ पर मैं ऑयल डाल दूँगी अपने जो है। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है प्याज और वही खड़े मसाले वगैरह एंड पत्ते। बस फिर मैं अपना चिकन वगैरह धोने लग गई थी, फिर अम्मी आ गई थी। अम्मी ने कहा मैं धो देती हूँ चिकन, तुम अपना मसाला भून लो। बस अम्मी मुझे चिकन धो के देने लग गई थी, मैं अपना मसाला भूनने में लग गई थी। और यहाँ पर मेरा कैमरा बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा था, बस मैं उसी को सेट कर रही थी। उसके बाद मैंने कट करी अपनी हरी मिर्चें, और यहाँ पर मैं अपना मसाला ही भून रही हूँ स्टिल। बस जी, इसके बाद हरी मिर्चें जो है मेरी कटिंग हो जाएंगी, तो फिर जो है मैंने इसको अपने टमाटर्स में रख दी। और जी, आप लोग बताएं सब क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं रमज़ानों में, कोई अच्छी अच्छी रेसिपीज़। और जब आप लोग मेरा व्लॉग वगैरह देखा करें तो मुझे भी कमेंट वगैरह करके बताया करें कैसे लगते हैं, और मुझे ये भी बताया करें किस टाइप के व्लॉग्स बनाया करूं, कुछ आइडियाज़ दिया करें। खैर, इसमें मैंने अपनी जो है चिकन डाल दी। चिकन के बाद मैंने इसमें जो है टमाटर जो और हरी मिर्ची जितनी वो डाल दिया, और मैं नमक डाल दिया, और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट होने दूंगी, टमाटर और चिकन दोनों को ही। और फिर मैं अपने एक बाउल में निकाल लूँगी प्याली में दही। दही में मैं डाल दूँगी अपना मैं दही में डाल दूँगी बिरयानी मसाले का पैकेट, और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिक्स कर लूँगी, मिक्स मिक्स मिक्स। चलो जी, ये हो जाएगा मिक्स। इसके बाद जो है टमाटर मेरे जब तक सॉफ्ट हो रहे हैं, जब टमाटर मेरे सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर जी मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। और ये है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता लास्ट में डाला करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अच्छा लगता है, हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं इसको। बस जी, कड़ी पत्ता डालने के बाद जो है मैं इसमें अपना मसाले थोड़े से घर के स्पाइसेस में लाजमी डालती हूँ। हल्दी डाल दी, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, कुटी हुई मिर्चें डाल दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा, और पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा, वो तो मेरा लाजमी है, वो लाजमी। थोड़ा सा पानी डालकर फिर मैं इसको भून लूँगी, भूनती रहूँगी मसाले को, टमाटर जब तक सॉफ्ट हो रहे हैं। और फिर इसके बाद मैं अपना डाल दूँगी इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही डालने के बाद जो है मैं इसको भून लूँगी थोड़ी देर। और जो इसमें मैंने धनिया डाला था वो कुटा हुआ, और ज़ीरा भी कुटा हुआ
और भुना हुआ डाला था। और दूसरी बात ये कि मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था, प्याज डालने थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी उसके बाद। अच्छा जी, यहाँ पे तकरीबन मेरा मसाला जो है बिरयानी का वो भुन चुका है और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया और पुदीना, और इसमें मैं दो तीन हरी मिर्चें भी साबुत डाल दूँगी, ठीक है जी। और फिर मैं थोड़ा सा स्लो फ्लेम कर 3-4 मिनट के लिए इसको दम में रख दूँगी। उसके बाद मेरा मसाला जो है बिरयानी का तकरीबन रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर करने लगी थी थोड़े से पकोड़ों की तैयारी, आलू के पकोड़े जो कि हमारे यहाँ लाजमी भाई डेली बनते हैं, लाजमी चाहिए होते हैं, चाहे थोड़े बहुत ही खाएं बट लाजमी चाहिए होते हैं। बस ये तो आप लोगों को तकरीबन सबको ही पता होगा, बेसिक सी रेसिपी है, इसको क्या मैं दूँ, सबके घर में बनते हैं, बस हम भी वैसे ही बनाते हैं जैसे सबके यहाँ। थोड़ा बहुत चेंज होता होगा वरना सबको ही आता है तकरीबन आलू के पकोड़े वगैरह बनाना। बस यहाँ पर आलू के पकोड़े के लिए मैं स्पाइसेस वगैरह डाल रही थी और वहाँ मेरा तकरीबन जो है मसाला जो है भुन ही गया है, और बस मैं उसका फ्लेम जो है ऑफ़ कर दूँगी बिरयानी वाले का। तो बस आज ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि हम लोगों ने खाना बनाना था, हमने कहा रोज़े के बाद फ़ौरन से निकाल लेंगे, बस थोड़ा बहुत ही कुछ कर लेंगे इफ्तारी के लिए, तो बस थोड़ा बहुत ही इफ्तारी के लिए कर लिया था हम लोगों ने। और यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया अपना बिरयानी का, बाकी का मैंने कहा इसको ड्राई बाद में करूँगी, सालन हल्का सा मैंने लिक्विड रखा था, मैंने कहा जब पकाऊँगी तब करूँगी। और यहाँ मैं बना रही हूँ शरबत, शरबत हमारे अलग अलग बनते हैं क्योंकि मैं और अहमद टैंक पीते हैं और बाकी के लोग सब रोज़ा जामा शीरी जो भी होता है ये पीते हैं, और मैं ये वाला बिल्कुल भी नहीं पीती, मुझे नहीं पसंद। बल्कि रिमशा भी ये वाला नहीं पीती, वो भी हमारे यहाँ आधे लोग टैंक पीते हैं और आधे लोग जामा शीरी। तो बस ये दोनों शरबत बना रही थी, ये मेरी रेगुलर की रूटीन है, बस मैंने आज आप लोगों से सबको शेयर किया। अभी जल्दी से पढ़ लेती हूँ मैं नमाज, असर का टाइम हो गया है, असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जाना है मुझे किचन में। बस जी, यहाँ पर हम लोग जो है इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, आलू के पकौड़े वगैरह बना रही थी। और ये कौन सा रोज़ा है, ये है 16वां रोज़ा, माशाल्लाह से 16वां रोज़ा भी हो जाएगा, इतनी जल्दी से रोज़े गुजर गए पता ही नहीं चला। और फिर हमारी जो है चूल्हे वाली गैस चली गई थी, बस फिर हम इसको सिलेंडर पे बनाने लग गए थे। आज हमारा दिल चाह रहा था हरी मिर्चें पकौड़े वाली बेसन वाली बनाने का, तो हमने वही बनाई है। चलिए जी, बिरयानी का मसाला मैंने दोपहर में भून लिया था, अभी मैं इसको कर रही हूँ थोड़ा सा खुश्क क्योंकि मैंने थोड़ा सा ना लिक्विड ही रखा था, मैंने कहा था जब बनाऊँगी उसी वक्त गरम गरम भी रहेगा और खुश्क भी कर लूँगी, ठीक है। बस ये हो गया है खुश्क अब तकरीबन, ठीक है जी, करके दिखाऊँ ना, ये हो गया तकरीबन खुश्क। चावल बॉयल हो रहे हैं और ये दम में लगाऊंगी हरी मिर्चें बीच में चादी करके, धनिया और पुदीना, और ये है फूड कलर, ठीक है, मतलब जर्द वाला। बस जी, यहाँ हम लोगों ने चावल निकाल लिए थे, चावल में थोड़े से खड़े मसाले, जीरा और नमक और थोड़ा सा ऑयल डालकर जो है बॉयल कर लिया था, और जिस मैं मैंने सालन बनाया था उसी में से मैंने सालन निकाल के उसी में ही मैंने कहा चावल बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने वॉश नहीं करी, उसमें सालन नहीं लगा हुआ, गंदी नहीं हो रही वो। बहरहाल इसको हमने तह लगा दी है, रंग डाल दिया, धनिया पुदीना हरी मिर्ची ये सब हमने इसमें ऊपर से डाल दी, और बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे दम में रखते हुए, इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, इसको फिर हम लगा देंगे दम। बस जी, पता नहीं 10 मिनट मैंने 12 कितने मिनट दम में लगाया था, आप लोग अपने हिसाब से लगाएगा, आप लोगों के कौन से वाले राइस हों कौन से ना हों। और फिर यहाँ पर जी हम थोड़े से साइड से मिक्स कर लेंगे, बाकी हम लोग जब खाएंगे तब निकालेंगे और मज़े से इंजॉय करेंगे। रहा बिरयानी का फाइनल लुक, और खाने में बहुत मज़े की बनी है, अम्मी लोगों ने पापा लोगों ने खाई है तो अम्मी बता रही बहुत मज़े की बनी है, मैंने नहीं खाया था, मेरा दिल ही चाह रहा था उसमें खाने का, अभी टाइम 10:15 हो रहे हैं तो मैंने सोचा अब खा लेती हूँ मैं खाना जल्दी से, और ट्राई करिएगा अच्छी बनी है। बुलाया है टेलर को क्योंकि अम्मी ने इससे अपनी शलवार वगैरह सिलवानी है, मैंने
फिटिंग करवाने हैं कपड़े बस। बस जी सहरी का टाइम हो गया है, अम्मी ने लगा दिया है दस्तरखान और जो है वो सहरी कर लेते हैं। सहरी में हम लोग बिरयानी ही खाएंगे और बस मैं जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। सहरी का टाइम हो गया है और बिरयानी बची थी, बस यही खाएंगे हम लोग, अम्मी ने निकाल ली है। अच्छा जी सहरी कर ली है, अब जो है मैं सोच रही हूँ मैं सिपारा पढ़ लूँ और जो है मेडिसिन खा लूँ अपनी, क्योंकि कल भी मैं अपनी टेबलेट खाना जो है भूल गई थी, तो मैंने कहा आज जल्दी से पहले खा लेती हूँ फिर सिपारा पढ़ूँगी। बस पहले हम गुड मॉर्निंग हो गई है मेरी, बस अभी काम कर मिलती हूँ आपसे, अभी चलती हूँ मैं किचन में। आज मैं बना रही हूँ थ्रेड चिकन, अभी चलते हैं किचन में। ला लाइट ने तंग किया हुआ है, लाइट ही नहीं आ रही, आप लोगों को कैसे दिखाऊंगी। और जी यहाँ मैं बना रही हूँ थ्रेड चिकन, आप लोगों को भी शायद आता ही होगा बनाना, बहुत अच्छा लगता है मुझे, पिछले रमज़ान में मैंने काफ़ी बनाया था और बहुत अच्छे बनते हैं ये। बस यहाँ पर मैंने बोनलेस लिया हुआ है, उसको मैं लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लूँगी अपने चिकन को, और जो है फिर हम इसको जो है मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेट करने के लिए मैं इसमें लगाऊंगी लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, ऐड करेंगे उसमें हम जो है सिरका और सोया सॉस, चिली सॉस, तीनों सॉसेस हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, बाकी थोड़ा सा चाट मसाला और वो धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और ब्लैक पेपर, काली मिर्ची पिसी हुई और बिल्कुल मामूली सा फूड कलर यानी कि जर्दी का रंग जो होता है वो, और एक अंडा लूँगी मैं। ये मैं पूरा नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे पास चिकन जो है, मतलब चिकन तो था बट मैं थोड़ा कम ही बना रही हूँ क्योंकि हम लोग कम लोग हैं, इसमें मैं कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड कर लूँगी और मैंने पूरा अंडा ऐड नहीं करा, कम किया है। और ये है इसका फाइनल लुक, इसको हम थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। जी समोसों वाली जो पट्टियाँ होती हैं उसको ये बारीक बारीक मैंने अम्मी से कटवाया है, लेकिन आपने इससे थोड़ी और बारीक काटनी है, अम्मी ने थोड़ी सी जो है मोटी काट दी। चलो खैर अभी मैं इसे पे बना लूँगी, हम इसको इसमें लगाएंगे तो आप लोग पता ही होगा, खैर बट मैं बना रही थी तो मैं वैसे ही शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। और जी जिन लोगों ने ये अभी तक नहीं बनाई या फिर ट्राई नहीं करी, आप लोग ट्राई करिएगा ज़रूर, अच्छी बनती हैं बहुत। और बस हम इसको जब बना लेंगे तो थोड़ी देर इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए, उसके बाद निकाल के फ्राई करेंगे। और बस मैं यहाँ पर जो है अपने जो अफ्तारी की तैयारी करना शुरू हो गई हूँ, फ्राई करने के लिए आलू वाले पकौड़े वगैरह फ्राई कर रही थी मैं, और ये थोड़ा सा बैटर बचा था इसमें मैं जो है पालक काट के डाल दूँगी और थोड़े से आलू और प्याज काट के डाल दूँगी। और हमारे पास चिकन पड़ा हुआ था सालन में ना, तो उसकी हम लोग बोटियाँ कर लेंगे, बोटियाँ मम्मी ने दे दी थी मुझे निकाल कर, तो बस उसकी बोटियों को छोटा छोटा कर कर और उसके मैं बना लूँगी पकौड़े, एक एक बोटी लेती गई और उसके मैं बनाती गई पकौड़े, और बहुत मज़े के बनते हैं चिकन के पकौड़े तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, नॉर्मल भी अच्छे हैं मतलब, लेकिन कभी कभी चिकन के भी अच्छे लगते हैं। बस फिर ये मैं पकौड़े बना लूँगी अपने, और जो है आज 17, हाँ जी 17 रोज़ा हो गया है, 17 सहज अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ मैं। और ये तीन चार मेरे पास ब्रोस्ट के पीस पड़े हुए थे फ्रीज़र में, तो मैंने कहा चलो ये भी फ्राई कर लेते हैं, तो बस ये भी फ्राई हो गए, इसको निकाल देंगे। और अब मैंने थ्रेड चिकन जो है अपने फ्रीज़र में लगा दिए थे, वो भी अब सेट हो गए होंगे अब तक, तो मैंने निकाल के अब मैंने कहा चलो इसको भी फ्राई कर लेते हैं, और ये अच्छे बनते हैं, ट्राई करिएगा आप लोग। बस जी इसको मैं फ्राई कर लूँगी, उसके बाद जो है रोज़ा खुलने में भी बहुत कम टाइम रह गया था, बस जल्दी जल्दी से मैंने इनको फ्राई किया और फिर मैं आपको अब इसका दिखा दूँगी फाइनल लुक। बस ऐसे ही गोल्डन ब्राउन से इनको हम लोग फ्राई करके निकाल लेंगे और चिकन भी इसका गल जाता है अच्छे से,
और बस अब हम इसको निकाल लेंगे, अब हो गया रोज़ा टाइम। हेलो जी, तो 17 रोज़ा भी हो चुका है, इफ्तारी भी हो गई है, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, मैं बिज़ी हो गई थी। फिर मैं थोड़ी सी देर, आधा घंटा सो गई थी, उसके बाद मुझे कुछ भूख लग रही थी, दिल चाह रहा था मेरा कुछ खाने का, तो मेरा शौरमा खाने का दिल चाह रहा था, बस मैंने वही मंगवाया है। अब मैं वही खाऊंगी और मैं अपने ब्लॉग को भी एंड करूंगी। मेरा शौरमा, और कुछ मीठा खाने का इतना दिल कर रहा था, मैंने कहा फ़िलहाल तो कुछ नहीं मिल सकता, आइसक्रीमें मंगवा लेती हूँ, यही खा लेती हूँ, और ये मेरी फेवरेट कोकोमो। बस जी अब मैं ये खाऊंगी और इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझको दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, और अब मैं स्टार्ट करूँगी व्लॉग शहरी से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय, टेक केयर।